हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। चलो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे आगे नेक्स्ट। जैसे हम पढ़ चुके गैल्वेनिक सेल, मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था, तो ये ध्यान रखो भाई, गैल्वेनिक सेल जो ये डिवाइस होती है, जो ये डिवाइस जो अलग अलग बीकर में जो इन्होंने लिए थे, अलग अलग बीकर में सेपरेट वेसल में जो ले रहा है गैल्वेनिक सेल, और इसी को हम क्या कहेंगे, वोल्टिक सेल। वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल इज सेम। और जो इस टाइप से, किस टाइप से मींस रेडोक्स, स्पोंटेनियस रेडोक्स रिएक्शन से, जो स्पोंटेनियस रेडोक्स रिएक्शन से सेल बनाते हम, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं केमिकल एनर्जी से, या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या है बना रहे हैं, इस टाइप को कॉमनली कहते हैं डेनियल सेल। इस टाइप की अरेंजमेंट को कॉमनली कहते हैं डेनियल सेल। आप ये ध्यान रखोगे, और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल क्या है, ये जो अलग अलग वेसल में जो लिए थे, ये दो साइंटिस्ट के नाम थे, उनके नाम के ऊपर क्या है, ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल बना है। ओके, एक बार इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे इस टाइप हम, इस साइड हमने क्या लिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इस टाइप, इस साइड क्या था, रिडक्शन हाफ सेल। उसके बाद क्या है, देखो हम एक वेसल लेते हैं, एक वेसल लेते हैं, और ये क्या जिंक वेसल ले लेते हैं, जिंक कंटेनर या फिर जिंक वेसल का, जिंक, ये जिंक मेटल का ही बना हुआ है, और उसके अंदर हम एक कोर वेसल ले लेते हैं भाई। और ये जो अंदर वाला वेसल है, ये क्या है, पोर्स, हम ये पोर्स वेसल लेंगे भाई। मीन्स इसके अंदर से आयन फ्लो कर सकते हैं, इससे आयन इधर भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, और यहां पे हम रख देते हैं कॉपर रोड। ये हम रख देते हैं कॉपर रोड, कॉपर। और यहां पर हम इस बड़े वाले वेसल में यहां डालते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगी। और इसमें जो अंदर वेसल है, इसमें डाल देते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये भी है कंसंट्रेशन 1 मोलर। देखिए हमने क्या लिया, जिंक कंटेनर लिया, उसके बाद क्या, इसमें क्या डाला, जिंक सल्फेट, उसके अंदर एक और हमने बर्तन लिया, और उसमें हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमने क्या है, कॉपर रोड को रख दिया। तो हम इसको क्या है, यहां से कनेक्ट कर देंगे, किससे, किसी भी मेटालिक वायर से, और यहां पर हम क्या लगा देंगे, कोई भी डिवाइस लगा देंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर, और बहुत कम करंट है तो क्या है, गैल्वेनिक मीटर, गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या, हमने क्या देखा कि वही स्पोंटेनियस रिएक्शन फिर से हम यहां पे
देख पा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस जिंक से क्या है इलेक्ट्रोड इस साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस साइड जा रहे हैं यहां पर, फिर वही रिएक्शन होगी। यहां पर ये क्या है, जिंक कंटेनर है, ये क्या आएगा जिंक मेटल किस में कन्वर्ट होगा, जिंक आयंस में, प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, यहां आ गया Zn टू पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, यहां से इस सॉल्यूशन से कॉपर, जो कॉपर सल्फेट था, यहां से कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटालिक। मींस यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई और यहां पर क्या है, रिडक्शन हो गई। अब आप समझ ही गए ये क्या बन गया, एनोड, और ये क्या बन गया, कैथोड। तो इस टाइप के इस सेल को, इसको भी हम क्या कहेंगे, डेनियल सेल। और यहां पे क्या हुआ, यहां क्या आ गए, जिंक आयन आ गए, और यहां पर क्या बच गया, सल्फेट आयन एसओ फोर टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये क्या है, ये यहां से क्या मूव कर सकते हैं, मींस क्या बन जाएंगे, जिंक सल्फेट वापस। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, एक तो ये उसकी क्या गैल्वेनिक सेल की कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई, और इसमें हमको क्या है सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं रही, हमने क्या है सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं रही। तो इस टाइप से भी हम क्या है, ये हम क्या डेनियल सेल बना सकते हैं, ये उससे आगे का है, यानी कि ये उससे आगे की फॉर्म है, रिवाइज्ड फॉर्म है, इससे आगे की जो क्या है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल की। और इन सभी को क्या कहते हैं, वो आप सभी जानते हो, क्या कहोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहां पर क्या होगा, जो ये जिंक मेटल है ये क्या है थिन होती जाएगी, ये आप जानते हैं, और ये क्या है थिक होती जाएगी, और ये किसका काम करेगी, एनोड, और ये किसका काम करेगी, कैथोड। चार्ज यहां नेगेटिव होगा, यहां पर क्या है पॉजिटिव होगा, वही होगा। और करंट की मूवमेंट क्या होगी, यहां पर मींस कॉपर टू जिंक, तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, एल ओ ए एन, लेफ्ट हैंड, ये तो उसमें लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर क्या होगा एनोड और क्या है नेगेटिव चार्ज। जो इस साइड तो हमने फिनिश ही कर दी, ये तो क्या है हमने बीच में ला दी यहां पर, और उसके बाद क्या होगा कैथोड के ऊपर क्या होगा भी? आपको पता ही है यहां पर क्या होगा रिडक्शन किसके ऊपर होती है कैथोड पर, और चार्ज कौन सा होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड का सिस्टम फिनिश हो गया, यहां पर रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ओके चलिए, उसके बाद जो ये गैल्वेनिक सेल है इसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, हमने क्या देखा इसके ऊपर, ये गैल्वेनिक सेल ही है, इसमें क्या है ये जिंक रोड है और ये क्या है कॉपर रोड। तो हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया हमने, बाहर से दे दिया। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये बता रहा है अगर एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है किससे, लेस देन ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल अगर ये कम था तो हमने क्या देखा यहां पे ऑब्जर्व किया कि करंट किस साइड फॉलो कर रहा है, जिंक टू कॉपर, जिंक रोड से कॉपर, क्या इलेक्ट्रॉन्स फॉलो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, एंड करंट आप जानते हैं क्या होगा अपोजिट फॉलो होगा। उसके बाद क्या है जिंक किसका काम करेगा, एक्ट एज एनोड, एनोड का काम करेगा तो क्या होगा डिसॉल्व, क्योंकि यहां से तो क्या जा रहे हैं आयन जा रहे हैं जेड एन टू पॉजिटिव, और यहां पे क्या है ये जो कॉपर टू पॉजिटिव है ये डिपोजिट हो रहा है, तो ये क्या होगा कैथोड के ऊपर क्या होगा कॉपर डिपोजिट होगा। उसके बाद क्या है हमने इक्वल रखा, जो एक्सटर्नल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमने क्या है इक्वल कर दिया यहां पर। तो उस टाइम हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन की फॉलोइंग यानी कि मूवमेंट किसी साइड भी नहीं हुई, न तो इलेक्ट्रॉन इस साइड गए न ही इस साइड गए। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे न इधर जाएंगे तो ये न ही एनोड होगा और न ही कैथोड, मींस न तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई और न ही रिडक्शन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा नो केमिकल चेंज अक्कर,
कोई भी केमिकल चेंज नहीं मिला। ये अलग अलग इसके ऊपर हमने क्या है एक्सपेरिमेंट करके देखे। उसके बाद क्या है यहां पर हमने उस नेक्स्ट ये क्या ये कर लो ए और ये बी ये सी, ठीक है। तो सी में हम क्या कर रहे हैं यहां पर हमने क्या किया ये मैंने पहले ही बना दिए। उसके बाद यहां पर क्या किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर दिया ग्रेटर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो यहां पे हमने क्या अलग ऑब्जर्वेशन क्या की ऑब्जर्व की क्या किया यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है क्या हो गई कॉपर से जिंक की तरफ और करंट की मूवमेंट किस साइड हो गई जिंक टू कॉपर। उसके बाद क्या हुआ अब आप समझ रहे हो तो रिएक्शन क्या होगी यहां पे कॉपर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन मींस यहां पर क्या हो गई रिडक्शन रिडक्शन हो गई नहीं ऑक्सीडेशन यहां क्या हो गई ऑक्सीडेशन ये तो दे रहा है और यहां पर क्या हुई जिंक क्या ZN जो ये आयन थे जिंक यहां पर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये किस में कन्वर्ट हो गया जिंक में यानी कि यहां पर रिडक्शन हो गई। ध्यान से देखो ध्यान दो भाई ये रिवर्स हो गई यहां पर रिएक्शन क्यों क्योंकि हमने एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो यहां पर क्या हुआ रिवर्स हो गई यानी के कॉपर किसका काम कर रहा एनोड का यहां पर क्या हो गई ऑक्सीडेशन और जिंक किसका काम कर रहा कैथोड का यहां क्या हो गई रिडक्शन यहां क्या होगी रिडक्शन। तो उस टाइम क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो ये नीडल ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करे तो किस साइड हो गई रिवर्स हो गई और करंट क्या है दूसरी साइड फॉलो करने लगा। तो इससे क्या हुआ इस टाइप के सेल को जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देकर या फिर हम क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम क्या करवाते हैं रेडोक्स रिएक्शन करवा देते टेक्स प्लेस हम क्या है अपने ये क्या है स्पॉन्टेनियस नहीं होती नॉन स्पॉन्टेनियस होगी हमने क्या है एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहां पर और इससे ज्यादा किया तो यहां पे क्या है रिएक्शन रिवर्स हो गई और इस टाइप के सेल को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये फिर मैं आगे जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का टॉपिक आएगा तो वहां पे इसको अच्छे से समझाएंगे यानी कि ये गैल्वेनिक सेल किसका काम करने लगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही और इन सभी को इस इनको क्या कहेंगे जहां पे केमिकल चेंज मिल रहा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके एक बार इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेकर इसको इसको नोट कर लो राइट डाउन हो गया चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग बना लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अगर हम कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स इस पे भी हम बहुत आगे डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो क्या अपने आयंस में टूट जाते हैं और क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं आयंस में टूट जाते हैं। हम कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं अज्यूम कर लो हमने क्या है यहाँ पे हम जिंक सल्फेट ले लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने यहां पर ले लिया और इसमें जिंक रोड ही डीप कर दी हमने क्या करेंगे जिंक रोड इसी का सॉल्यूशन हमने लिया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक रोड ही क्या कर दी डीप कर दी। तो आप क्या चेंज देखोगे आप कोई चेंज नहीं देखोगे यहां तो कोई चेंज होगा ही नहीं हमने क्या है मेटल रोड डीप की है किसके उसी के सॉल्यूशन में उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां पे क्या है हम भले ही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो यहां पर क्या है अपने आप रिएक्शन होगी जो ये जिंक है ये जो जिंक आयन और ये क्या है सल्फेट टू नेगेटिव ये टूट जाएगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से दो इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में और ये मेटल वाला जिंक है ये क्या करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन देकर
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn टू पॉजिटिव में, मतलब आयन्स में। यानी कि यहां से मेटालिक जो मेटल है वो आयन में कन्वर्ट होगा, और जो आयन है आयन्स जिंक आयन वो इलेक्ट्रॉन लेकर वापिस मेटल में कन्वर्ट होंगे। यानी कि सोल्यूशन से क्या होगा, सोल्यूशन से आयन डिपोजिट हो रहे हैं जिंक के, और मेटल से क्या हो रहा है आयन निकल रहे हैं। और ये क्या, ये प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, इक्वल होता है, जितने आयन वहां से निकल रहे हैं उतने ही आयन सोल्यूशन से क्या हो रहे हैं डिपोजिट हो रहे हैं, भले ही हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे बट ये रिएक्शन चलती रहती है। तो यहां पर क्या है, दो टाइप से होती रिएक्शन, क्या होगा जी, मेटालिक जिंक था वो क्या हुआ किस में कन्वर्ट हो गया, Zn टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, आप समझ गए क्या होगी, ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या है, ये जो आयनिक है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन लिए इसने, किस में कन्वर्ट हो गया मेटल में, ये क्या होगा रिडक्शन। ये रिएक्शन चलती रहती है अपने आप ही। तो यहां पर देखो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक आयन में, और यहां से जिंक आयन किस में कन्वर्ट हो गए, जिंक मेटल में। तो ये जो टेंडेंसी होती है किसकी, किसी भी मेटल की, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, मैं लिख देता हूं यहां पर, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, कब, व्हेन इट केप्ट, इट मींस इलेक्ट्रोड केप्ट इनटू इट्स ऑन सॉल्यूशन, या फिर ऐसे कह लो सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयन्स, उसी के सोल्यूशन में, हम उसी के आयनिक सोल्यूशन में, इसको बोलोगे आयनिक सोल्यूशन। जब हम किसी भी मेटल को किस में रख देंगे, इलेक्ट्रोड को किस में रख देंगे, उसी के सोल्यूशन में रख देंगे, तो उस टाइम जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की और इलेक्ट्रॉन देने की, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा, इसका अलग है किसका, इसका मेटल का, क्या है मेटल का, किसमें आयन में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल, और सोल्यूशन का क्या है, सोल्यूशन में मींस आयन है उनका क्या है मेटल में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल। तो यहां पर क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर सीधा कहो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट केप्ट इनटू इट्स ऑन सोल्यूशन, ऑन आयनिक सोल्यूशन, उसी के आयनिक सोल्यूशन में जब हम इसको रख देते हैं उस टाइम जो होती है इसकी टेंडेंसी होती है उसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां से देखो दो टाइप की हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन को अगर मेटल के केस में लेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हमारे पास क्या था मेटल था और किस में कन्वर्ट हो रहा है आयन में, मींस एन पॉजिटिव लगा देता हूं मैं, यहां पर क्या होगा एन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें क्या होगा क्या थे मेटल आयनिक फॉर्म में थे, किस में कन्वर्ट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन लेकर, इसको ऐसे करो दो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो गया मेटालिक फॉर्म में, ये क्या हो गया रिडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का बन गया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
और यहीं से एक बात और, अगर कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी हो, वन मोलर, वन मोलर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आएगा भाई, वन मोलर। उसके बाद क्या, टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन, और प्रेशर क्या है 1 bar, इसको कहते हैं, इस कंडीशन के ऊपर ये कौन सी कंडीशन हो गई, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। अगर ये कंडीशन होंगी तीनों तो हम इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड, मैं लिखता हूं यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नोट्स, ई नोट्स किससे करेंगे, ई नोट से। और आजकल क्या है, ये ई नोट का मीनिंग समझो, इसका मीनिंग है स्टैंडर्ड कंडीशन। आजकल क्या है, ई नोट से कन्वेंशन, इसके कन्वीनियंट करने के लिए क्या ई नोट को क्या कहने लगे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है। तो एक और चीज देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितना ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड से ई लिख देता हूं मैं पोटेंशियल, उतना ही क्या होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट ये क्या होगा, साइन अपोजिट होगा, इस चीज की क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उस उतना ही क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बट वो रिवर्स होगा, ये पॉजिटिव में है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। किसी भी कोई भी वैल्यू लो, जैसे इसका जिंक का बताता हूं, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता, 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। तो ये दो तीन बातें बहुत बेसिक सी बातें हैं, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर मेटल, मेटल ये ओब्लिक लगाएंगे, एन पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि ये कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, एन क्या है, नंबर है एक, वो नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या, रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम यहां पे लिखो एन पॉजिटिव और किसमें हो गया, एम में कन्वर्ट, ये हो गया, ये इसको ध्यान रखो भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको क्या है राइट डाउन नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, क्योंकि ये आपको इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया है, उसके बाद क्या है मैं आपको क्या बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल करेंगे, क्योंकि हमने गैल्वेनिक सेल ही पढ़ा अभी तक, गैल्वेनिक सेल आप समझ रहे हो, वहां पे क्या है दो रिएक्शन हो रही थी, कौन सी रिएक्शन, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ये क्या थी ऑक्सीडेशन, मींस यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सेकेंड क्या थी कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है कॉपर क्या है रिडक्शन, तो यहां क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे जैसे मैं बता रहा था, इसको कैसे लिखोगे आप, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये आइडेंटिफाई करना समझ गए तो आपको आगे कहीं भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स बहुत सारे टीचर्स C1 C2 ऐसे समझाते हैं, आगे नॉन स्टिक इक्वेशन में भी आपको क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये बात समझ गए, क्यों, क्योंकि पहले क्या है ये
और ये क्या है, प्लस वन क्लास में भी आता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है इसका, जीरो, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहां कितना ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस टू, यहां कितना हो गया, जीरो, तो यहां क्या हो गया, रिडक्शन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो आपने जैसे गैल्वेनिक सेल में यही देखा था क्या, कि दो रिएक्शन हमारी वहां पर हो रही थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमने उसको मिला के लिखना है, बस लिख दो कि इसको, ये क्या है, ये किस पर होगी, एनोड पर, और ये किस पर होगी, कैथोड पर। ये एनोड पर थी, ये कैथोड पर, और ये भी मैंने बताया था, क्योंकि कन्वीनियंटली हम ऐसे करते हैं कि एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड में। तो पहले एनोड लिख दो, ZN, ZN 2 पॉजिटिव, इसको लिखो, किस साइड लिखो, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर, ठीक है। तब एक और चीज रहेगा यहां पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्ट ब्रिज, हमने सोल्ट ब्रिज लगाना है इसके बीच में। ये क्या कर रहा है, सोल्ट ब्रिज, ये कौन सा सेल, ये क्या हो रहा है, देखो अगर आपको इस तरह से रिएक्शन देगा, ये यहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। अगर ये दोनों दोनों एक साथ हो रही हैं, उसके बाद क्या, इसको हम क्या है, सेपरेट किससे करेंगे, सोल्ट ब्रिज। ये सिंबल है भाई, ये सिंबल सोल्ट ब्रिज, ये सिंबल, इसको ध्यान रखना। तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात समझनी, ये देखो रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, फिर आप कंफ्यूज हो गए। अगर इसको एक बार समझ लोगे तो बेटा कहीं भी न्यूमेरिकल में कहीं भी क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी की पूरी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही बात है, जो आप समझ नहीं पाते वहां पे आप क्या है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्या है, प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये आप सभी जानते हो, इस साइड में क्या होता है, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें उस दिन में मैं बता रहा था, उसमें क्या है, दो पार्ट किए थे हमने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो आप किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो आप एक साइड में क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ, और एक साइड में रिडक्शन हाफ। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस साइड होगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप अपने आप ही समझ जाए। ऑक्सीडेशन में क्या, इलेक्ट्रॉन कहां से दिए जाते हैं, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन होता लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां दिए जा रहे भाई, इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये दे रहा है, किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो गई, इस साइड हो गई, ये हो गई, और करंट की क्या होगी, अपोजिट होगी, यहां से बन गया इस साइड पर, किस साइड, इस साइड, ये क्या बन गया, एनोड, और ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, कैथोड। तो करंट की किस साइड होगी, डायरेक्शन करंट, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट कर देते। तो इसमें क्या होगी, कैथोड टू एनोड, नेगेटिव कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज गैल्वेनिक सेल में, ये उस दिन मैंने समझाया था, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई इसको, क्योंकि यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये देखो ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रही है, एनोड पर, रिडक्शन किसके ऊपर हो रही है, कैथोड के ऊपर। चलो नेक्स्ट करते हैं इसमें, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। यहां पे तो आपको पता है क्या आ गए, दो इलेक्ट्रोड आ गए, एनोड और कैथोड। तो हम क्या बनाएंगे, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ ए सेल, हेडिंग बना लेते हैं नेक्स्ट, नहीं से कर देंगे कैलकुलेट।
ना मैं साथ साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ सको। जैसे आप समझ गए, एक ऊपर है जो हम गैलियोनिक सेल बना रहे हैं, वहां पर हम क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एनोड पर अलग ले रहे हैं और कैथोड पर अलग ले रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हो भी मेटल अलग अलग है तो उनके क्या होगा पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होगा डिफरेंस होगा, क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सेल पोटेंशियल क्या होगा, द सेल पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स, द डिफरेंस जो इनके बीच में डिफरेंस है उसी को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे भाई सेल पोटेंशियल, या फिर क्या कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल कह देते इसको कॉमनली। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, दो हाफ सेल हो गए, टू हाफ सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज, भी वोल्ट में मेजर करते हैं इसको, वोल्ट में वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्ट में किससे किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में वी से। और देखो इसके अंदर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज इसको सेल पोटेंशियल कब कहेंगे और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज कब कहेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत बारीकी सा डिफरेंस है बहुत। इसमें जब हम ये तो सेल पोटेंशियल हम किसी भी टाइम मेजर कर सकते हैं जब करंट फॉलो कर रहा है, जब करंट फॉलो नहीं कर रहा उस टाइम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। It is called EMF, electromotive force, when no current follow इन द सेल, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम में अगर हम अलग अलग देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप समझ गए इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इलेक्ट्रोड ई सेल से, ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो क्या होगा ई नोट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट ई नोट सेल, अगर ये नोट लगा दिया तो आप समझ जाओ ई नोट सेल मींस क्या है, इलेक्ट्रोड लगा दिया तो क्या ई नोट लगा दिया तो क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस टेम्परेचर हमारा कितना है 298 केल्विन और कंसंट्रेशन क्या 1 मोलर और प्रेशर क्या होगा भाई 1 bar, यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तब क्या होगा ई नोट सेल, ई नोट सेल। और ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है भाई, क्या ईएमएफ क्या है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तब अलग अलग उसका क्या होगा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ हो गई, ईएमएफ। उसके बाद क्या है अगर करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम क्या है जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा किस किस के बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में एनोड और कैथोड के बीच में, उसको आप क्या कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं कह रहा हूं करंट फॉलो नहीं हो रहा, जब करंट फॉलो ही नहीं हो रहा
तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो रही, तो हमें क्या पता उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, हमें क्या पता, हम कैसे पता लगाएंगे, हमको किस ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या है? देखो ई नोट सेल और ईएमएफ, ये क्या स्टैंडर्ड है भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। कुछ नहीं, आपको पता ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या होती है, एनोड के ऊपर क्या होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होती है रिडक्शन, तो आप दोनों को ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और ये एनोड किस साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये किस साइड होता है राइट हैंड साइड, इन दोनों को ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड जोड़ दो, क्या आ जाएगी ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो। तो इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए हम इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं, एनोड का भी क्या है एनोड है जो उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं। अब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लोगे तो मैंने आपको बताया था रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन का क्या होगा रिवर्स होता है, उतना ही होता है इक्वल मैग्नी, यानी कि क्या होगा साइन अपोजिट होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा बट अपोजिट इन साइन, साइन क्या होंगे अपोजिट होंगे, मीन्स जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा उसका माइनस, देखो ऐसे नहीं होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड भाई, बस माइनस इक्वल माइनस होता है। तो यहां से और कन्वीनियंट बनाने के लिए ई नोट सेल, ई नोट सेल मैं आपको पहले भी बता रहा था इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ले रहा है ये, क्या है हमने रिकग्नाइज किया है। तो आप क्या करोगे इसको, क्या करूं मैं कैसे लिखूं, पहले ये लिख देता हूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड और ये क्या है यहां माइनस लिख दूंगा मैं सीधा, क्या माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है भाई, हम क्या ले रहे हैं रिडक्शन ले रहे हैं। तो हम क्या इसको बहुत इजी बनाने के लिए, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल में देगा वो रिडक्शन पोटेंशियल देगा, जो ई नोट वैल्यू होती है वो रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इसको ऐसे लिख देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड मीन्स आप समझ गए ये क्या है राइट हैंड साइड और ये क्या है माइनस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं भाई उसी का, गैल्वेनिक सेल का ही देखते हैं, वहां पर क्या हो रहा था जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक यहां लिखता हूं, यहां लिख लेते हैं जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था Zn2+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा था मींस, और उसके बाद क्या ये सोल्ट ब्रिज, कॉपर क्या है कॉपर 2+2 किस में कन्वर्ट हो रहा था कॉपर में हो रहा था। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मैं रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा हूं कितना होता, देखो पहले पीछे मैंने बताया था मेरा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.76 वोल्ट,
ये वैल्यू आपको दी हुई मिलेंगी। उसके बाद क्या है, इसका कितना रिडक्शन कितना हो जाएगा माइनस, तो ये पुट कर दो आप, माइनस 0.76 वोल्ट। और इसका होता भी ये रिडक्शन ही हो रहा है या तो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका कितना होगा 0.34। हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल मिल गए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये वैल्यू पुट कर दो। अगर आपने क्या निकालना है, एनोड सेल निकालनी है, किसकी निकालनी है, गैलियोनिक सेल की निकालनी है, क्या जिंक कॉपर वाले सेल की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ ये वैल्यू रखो, पहले ये रखोगे कैथोड वाली, कैथोड वाली कितनी है 0.34, ठीक है, ये माइनस एज इट इज, फिर ये इसकी लिखो माइनस 0.76, ठीक है, ये वोल्ट में है सभी, यहां भी वोल्ट लगा लो, यहां भी वोल्ट लगा लो, ये तो वोल्ट में है। उसके बाद क्या, आप समझ गए, 0.34 वोल्ट प्लस माइनस माइनस प्लस हो गई 0.76 वोल्ट हो गई, ठीक है, तो कितनी आ गई, कर दो ऐड कर दो 1.1 वोल्ट। ये इसकी क्या आ गई, एनोड सेल ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में है भैया, क्योंकि हमने जो सेल बनाया है सारा का सारा स्टैंडर्ड कंडीशन में ही बनाया है, सारा मींस वन मोलर कंसंट्रेशन ही ली थी हर जगह। तो इसको एक बार लिखो, राइट डाउन, और इसके नोट्स बना लो, इसको लर्न करो, और फिर आगे बनाते। थैंक यू।